हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये मैंने बिल्कुल छोटे आलू से आलूदम तैयार किया है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसके ग्रेवी आप देख सकते हैं कि कितने क्रीमी बने हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। और ये सब्जी आप रोटी, पूरी, पराठे, दाल, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है ये छोटे साइज के आलू, वजन में करीब ये 1 kg होंगे। और इनको हमने प्रेशर कुकर में डाल करके और 1 सीटी आने तक बॉईल किया था, और जब ये ठंडे हो गए थे ना तो इनको हमने अच्छे से छील लिया था। सारे छिलकों को हमने रिमूव कर दिया है। अब लेंगे हम एक टूथपिक और इस तरह से हम एक एक आलू में टूथपिक की हेल्प से छेद करेंगे, ताकि जब ये ग्रेवी में जाए ना तो ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। तो सारे आलू में हमने इस तरह से छेद कर दिया है। आप चाहे तो कांटा चम्मच की हेल्प से भी इसमें फोक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे आलूओं को तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम इनको डीप फ्राई करने। उसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है करीब 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों तेल का यूज किया है। तेल को हम फ्री हीट गरम होने देंगे। जब ये धुआंधार गरम हो जाएगा ना तो इसके जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो निकल जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें सारे आलूओं को डाल करके उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। हमें आलूओं को जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें ब्राउन कलर की लेयर ना आ जाए और आलूओं का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर करीब 3 से 4 मिनट लगे थे। इनको हमने हाई फ्लेम पर पकाया है ताकि आलू जल्दी से ही लाल हो जाए। आलू तो पहले से ही कुक थे, लेकिन हमने इनको हाई फ्लेम पर इसीलिए पकाया था ताकि आलू में अच्छे से कोटिंग भी हो जाए। सारे आलू देख सकते हैं कि इक्वली एकदम से लाल हो गए हैं फ्राई होकर के। अब इनको हम तेल से निकाल लेंगे और जो तेल बचा हुआ है ना उसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे कटोरी में। तो यहाँ पर देखिए जो तेल बचे थे उनको हमने आधा निकाल लिया है और आधा तेल को हमने इस तरह से छोड़ दिया है, और इस तेल का हम बाद में भी यूज करेंगे। तो देख सकते हैं कि तेल गरम हो चुका है। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां, 4 सूखे हुए लाल मिर्च को हमने लिया है साबुत, और 10 से 12 हमने काजू लिया है। इससे जो ग्रेवी का टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी क्रीमी आएगा। और 3 मीडियम साइज के हमने रफरी चॉप किए प्याज लिए थे, उनको हमने सारे तेल में डाल दिए हैं। उसके बाद हम इनको लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, और प्याज को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 2 मिनट लगे थे और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के लाल पके हुए टमाटर, इनको भी हमने रफरी चॉप करके डाला है। अब टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज, टमाटर, लाल मिर्च और काजू, लहसुन, सारी चीज़ों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इनको हम एक मिक्सी के जार में डाल करके इनका पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ठंडे हो चुके थे, इनको हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इनको हम बिना पानी के ही पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पेस्ट को तैयार कर लिया है। अब इनको हम एक साइड कर लेंगे और सेम कढ़ाई में हम डालेंगे तेल जो हमने बचा करके निकाला था ना वो, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। मसालों मैंने लिया है 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लवंग, 2 हरी इलायची और 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा, 8 से 10 काली मिर्च के दाने हमने लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। तो जैसे ही खड़े मसाले अच्छे से लाल हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मसाले के पेस्ट तैयार किए हैं वो, और उनको हम अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पेस्ट को डाल दिया था और जो थोड़े बहुत मिक्सी के जार में बच गए हैं उनमें हम थोड़ा सा पानी मिला करके और मिक्सी के जार को धो करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि मसाले वेस्ट ना हो। तो सारे पेस्ट को हमने डाल दिया है। उसके बाद हम इनको करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से खुले में पकाएंगे, और गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम ही रखेंगे। तो मसाले को हमने करीब डेढ़ मिनट तक अच्छे से खुले में पका लिया है। अब इसी के साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। मसालों मैंने लिया है 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक अभी हम नहीं डालेंगे, नमक हम ग्रेवी के टाइम ही डालेंगे।
तो यहाँ पर हमने सारे मसाले को ऐड कर दिया है। अब इनको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसाले को हम जब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है और मसाले सूख नहीं जाते हैं। तो करीब 2 मिनट लगे थे, आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मसालों ने किनारे किनारे से ऑयल रिलीज कर दिया है। अब ये कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, तो मसाले हमारे परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब इसी के साथ इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि आलू ग्रेवी में जाएंगे ना तो ये और भी गाढ़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है। अब हम पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक को भी हम अच्छे से घुलने तक मिक्स करेंगे। जब नमक अच्छे से घुल जाएंगे ना ग्रेवी में, उसके बाद हम इसमें जो हमने फ्राई किए हुए थे आलू वो ऐड करेंगे और उनको भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू को हमने ग्रेवी में मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इनको कवर कर देंगे करीब 5 मिनट तक, जब तक ये ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती है, क्योंकि आलू तो पहले ही फ्राई है तो आलू को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनट तक हमने सब्जी को पका लिया है। अब ये बिल्कुल गाढ़े हो गए हैं, तो इसी स्टेज पर हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे, बीच से चीरा लगाया हुआ। इस तरह से आप हरी मिर्च को डालिएगा ना तो बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है सब्जी में। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे और इनको हम कवर कर देंगे ताकि सब्जी है वो थोड़े से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो सब्जी को हमने एक बॉल में निकाल लिया है। और इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म रोटी पूरी पराठे दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कितने यमी और कितने मज़ेदार बने हैं आप इस तरह से ग्रेवी देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। अगर आपके पास भी इस तरह से छोटे आलू हैं तो आप आलू दम ज़रूर बनाइए और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे थे उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।